इस फ़ोन में शॉर्टिंग है, फुल शॉर्ट आया है मेरी दुकान पर। ये देखिए दोनों तरफ बीप जा रही है। इसको प्रॉब्लम का इसका फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसका मॉडल नंबर है जियो का F320V और ये फुल शॉर्ट है और दोनों बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव नेगेटिव पे बीप की वॉइस मिल रही थी तो फुल शॉर्ट है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम इसमें रोजिन पेस्ट अप्लाई कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि रोजिन पेस्ट लगा रहे हैं हम इसमें। तो रोजिन पेस्ट फ्रेंड्स इसका धुआँ जो होता है वो सभी कंपोनेंट पे लग जाएगा। तो देख सकते हैं आपके रोजिन पेस्ट हम जहाँ जहाँ भी शॉर्टिंग होने के चांस होते हैं वहाँ वहाँ लगा देते हैं। और ये रोजिन पेस्ट जैसे ही लगाएंगे हम तो इसके बाद डीसी मशीन का जो है उपयोग करेंगे और हमारी प्रॉब्लम को जो है सॉल्यूशन बिल्कुल जस्ट फाइनली हो जाएगा सॉल्व। और फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कि रोजिन पेस्ट इस तरीके से हम अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स अगर इस जियो ऐप 320 का सॉल्यूशन हो जाता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स हम आपके लिए हमेशा इसी तरह की वीडियो लेके आते रहते हैं। तो इसमें अभी कीपैड पत्ता लगा देते हैं और पत्ता लगाने के बाद फ्रेंड्स डीसी मशीन पे हम देख सकते हैं आप कि हमने चालू कर दी इसको, 360 की रेंज पे सेट कर दिया है। और उसके बाद ब्लैक वाला सिरा जो है बैटरी कनेक्टर के नेगेटिव में लगा देंगे और पॉजिटिव सिरा जो है हम बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव में लगाएंगे। तो जैसे ही हमने लगाया तो यहाँ पे ये वाले कंपोनेंट से हल्का सा धुआं निकला है। तो फ्रेंड्स आपको बता देते हैं कि इस तरीके से ये कंपोनेंट जो आप देख रहे हैं बैटरी कनेक्टर के आगे, तो इसमें से धुआं निकला था तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो निकाल देते हैं बाहर, आपको बता भी देंगे कौन सा कहाँ पर कंपोनेंट था जो हमने निकाला है। फिलहाल तस्वीर तो हमने आपको दिखाई दी है तो बाहर निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए कि हमने इसको बाहर निकाल दिया है कंपोनेंट को। और फ्रेंड्स ये कंपोनेंट यहाँ पे लगा हुआ था, ये कैपेसिटर था, तो फ्रेंड्स उसको हमने बाहर कर दिया है। और हमारी जो है अभी कोई बीप की वॉइस भी नहीं मिल रही है, तो हमारी फाइनली शॉर्टिंग जो है फाइंड आउट हो चुकी है। तो अभी बैटरी लगा के एक बार मोबाइल को ऑन करके देख लेते हैं, क्योंकि फुल शॉर्टिंग की कंडीशन में मोबाइल डेड कंडीशन में आता है। और फ्रेंड्स इसकी पावर आईसी जो है शॉर्टिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही थी, तो हम समझ रहे थे कि फुल शॉर्टिंग है, तो चेक किया तो फुल शॉर्टिंग पाया गया। तो देख सकते हैं आप, अभी चालू करके देखते हैं हम। तो फाइनली फ्रेंड्स हमारी प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन हो गया है। तो वीडियो को लाइक कर देना।